मेरा अभी शादी होके ऑलमोस्ट 4 साल हो जाएंगे दिसंबर में, पर अभी मैं अभी ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मैं अपने हस्बैंड के साथ में नहीं हूँ, और FIR वगैरह रजिस्टर की है मैंने मेरे हस्बैंड और इन-लॉज के खिलाफ। तो उसका मतलब अभी तक कुछ पुलिस वालों ने एक्शन ठीक से लिया नहीं है। FIR में भी बहुत सी गलती किया है उन्होंने, जो चार्जशीट मतलब 498 लगाना है तो 489A कर दिया है उन्होंने, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे मतलब छोटी छोटी बातों को उन्होंने ढीला कर दिया। और मतलब इतने प्रूफ्स मेरे पास में रहने के बावजूद भी कोई मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मैं अपने घर वालों को भी साथ में नहीं लेकर आ सकती हूँ, क्यों तो उन लोग की भी जान को धोखा है, बार बार वो मारपीट गाली गलौज करते हैं। आज मैं पत्रकार भवन में आई थी कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ में हो रही है, और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई और सारे प्रूफ्स भी बता दिए। और मैं जब भी मतलब कोर्ट में जाती हूँ उस टाइम पे भी मेरे जान को धोखा रहता है, बार बार मेरे हस्बैंड मेरे को जान से मारने की धमकी देते, एसिड फेंकेंगे। और इसकी बार बार मैंने ना पुलिस स्टेशन में नोंद भी कराई हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे इतना मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, इसके ऊपर आप कुछ कार्रवाई करो। तो बस मुझे बुलाते हैं और 2-3 घंटे बिठा के रखते हैं और फिर छोड़ देते हैं NC लेकर, पर उसके बाद में कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने अर्जी डाली थी तो कमिश्नर ऑफिस में हम लोग को आंदोलन में बैठने से पहले CP सर ने बोला था कि लेडीज़ है तो पहले बैठने से पहले आप एक बार बात कर लो, उसके बाद में तुम हम लोग जो है बीच का रास्ता निकालते हैं आयोग को और जो कोंडवा पुलिस स्टेशन के जो ये है सीनियर PI है उनसे बात करते करके। पर उस टाइम पे हम लोग को बस अंदर जाने की मतलब देर थी कि 5 मिनट में कोंडवा पुलिस स्टेशन के सर संतोष सोनावने सर वहाँ पे आए, और उनके साथ में मानसिंह पाटिल सर भी थे। उन्होंने हम लोग को रिक्वेस्ट की कि हम लोग ये करते हैं वहाँ पे एक्शन लेंगे वहाँ पे, और अभी फिलहाल में आप CP सर से मत मिलो, हम लोग एक्शन लेंगे उसके बाद में फिर आप होना तो मिल लो घर के। तो अभी फिलहाल में बस मैं पत्रकार जब्बार मुलानी सर जो है उनके साथ में और एक RPI के मेंबर है वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके थ्रू ही मतलब अभी मैं चल रही हूँ। और CP ऑफिस में भी मुझे सोनावने सर ने और पाटिल सर ने रिक्वेस्ट की थी तो उनकी बात का मान रखते हुए मैं वहाँ से चले गई, और वो आंदोलन पत्र मैंने स्थगित कर दिया, उधर एप्लीकेशन दिया कि मैं स्थगित कर दूँ करके। उसके बाद में फिर मेरी DCP सर से मुलाकात हुई, कोंडवा पुलिस स्टेशन में हम लोग को बुलाया वहाँ पे, और फिर वो आरोपी के जो डैड है उनको बुला के लिए, अदनान शाह नाम है आरोपी का जो मेरे वीडियोज़ वगैरह निकाल के भेज रहे थे, तो उनके डैड को बुला के लाए, क्यों तो वो फरार है, अदनान शाह फरार है। अदनान के डैड को बुला के लाए तो अदनान के डैड ने मुझे PI के सामने धमकी दी है कि हम लोग मतलब मैं सुसाइड कर लूंगा और इसको मतलब अटका के जाऊंगा, सुसाइड नोट लिख के ऐसे अटका के जाऊंगा। तभी भी कोंडवा पुलिस स्टेशन में उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की, हम लोग को बोला तुम चले जाओ, हम इसका आगे देखते क्या करना है। जी मेरे हस्बैंड और देवर के दोस्त जो है वो मेरे मम्मी के घर के पास में रहते हैं, अदनान शाह नाम है उनका, वो बार बार मतलब मेरा पीछा कर रहे हैं, 1 साल से मेरी सारी डिटेल्स हस्बैंड को और देवर को दे रहे हैं। उसके मेरे पास में प्रूफ भी है और उसी प्रूफ में मुझे पता चला है कि उन लोग का प्लानिंग चल रहा था मेरे बच्चे को सोसाइटी से चोरी करने का और मुझे पोते में लपेट के मारेंगे। वो पूरा नाम के साथ में मेंशन किया है, ये मेरे देवर की और अदनान शाह की चाट थी। और ये सारी चीज़ें मैंने पुलिस स्टेशन में बताने के बाद में भी उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की है, ना उसके ऊपर मतलब कुछ एक्शन लिए, बस वो उसको आरोपी को फरार तो फरार ही करार दिया उन्होंने, उसके कुछ एक्शन ही नहीं है। इस पूरे मामले में मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काम करता है, इस बारे में वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या आपके जो लोकल मौलाना काजी हैं वो भी एक समाज बोल के आप लोगों को सपोर्ट करते हैं जी? इससे पहले मतलब ये FIR वगैरह रजिस्टर करने से पहले हम लोग ने मतलब रिश्ता बचाने की कोशिश की थी, तो हम लोग वहाँ पे गए थे, मेरे हस्बैंड के थ्रू ही मुझे नोटिस आया था दारुल कज़ा का, तो वहाँ पे हम लोग गए थे, वहाँ पे एक सेशन हो गया। नेक्स्ट सेशन में उन्होंने बोला कि आप लोग क्या है तो डिसाइड कर लो रहना है नहीं रहना है। उस दौरान मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ पे भी मतलब मारे और वो CCTV में फुटेज में ये भी हो गया, कैप्चर भी हो गया। उसके बाद से फिर वो दारुल कज़ा में शाहिद कासमी करके मौलाना है, उन्होंने बुलाए अब्रार और शाहिद काजी, ये लोग उधर के मौलाना है जितना मुझे नाम याद है, उन्होंने मुझे बुला के बोले देखो ये अपने इदारे का मामला है, इधर बहुत सी लड़कियों का मसला हल हो जाता है जिनको लॉ के थ्रू मतलब जाने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या है तो वो खुला और तलाक वो लोग यहाँ से ले सकते हैं, तो अगर तुम यहाँ का नाम लेगे और इन्वॉल्व करेंगे तो फिर वो नाम खराब हो जाएगा और ये सारा चीज़ों का पाप तुम्हारे सर पे आएगा, ऐसे बोल के मुझे वहाँ पे चुप कराए। और मैंने उनको जब बोला कि आप मुझे एक काम करो वो फुटेज दे दो, मैं पुलिस को बताऊंगी कि मेरे इस पर हाथ उठाया है यहाँ पे, तो उन्होंने फुटेज तो नहीं दी पर मैंने एप्लीकेशन दिया था वहाँ पे कि मुझे फुटेज चाहिए यहाँ की, तो उन्होंने कहा कि आप कोर्ट के ऑर्डर्स लाओ या फिर पुलिस वाले आएंगे तो मैं दूंगी। और इसका भी ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं तो पता नहीं फुटेज मिलती भी है या नहीं मिलती है, पर मेरे पास में मेरा एप्लीकेशन जो दिया था मैंने वो है और दारुल कज़ा की नोट भी है मेरे पास में, जो रिपोर्ट वो लोग बनाते उस टाइम पे क्या हुआ था उसका मेरे पास में रिपोर्ट भी है। फाइनली देखो मैंने 2 से 3 चांसेस देके देखे हैं, ये नहीं चल सकता है रिश्ता,
जो भी है मैं लॉ के थ्रू जाना चाह रही हूँ, पर मुझे क्या हो रहा है ना, बाहर से प्रेशर डाल रहे हैं लोग, मध्यस्थी लोग आके मुझे बोल रहे हैं, कोंडवा पुलिस स्टेशन के बाहर ही मुझे पकड़ दे कि तुम केस पीछे ले लो, तुमको पता नहीं है सामने वाली पार्टी कितने ऊपर तक पहचाने होंगी, मतलब ऐसे बार बार बोल बोल के डरा रहे। और प्लस मेरे साथ में जो भी है आरपीआई के मेंबर्स है, जब्बर मुलानी सर को भी हमारे पास में वो कॉल रिकॉर्डिंग्स भी है, उनको खुद को भी मतलब जान का धोखा है, उनको भी मतलब धमका रही, तुम किस चीज़ के लिए इसको सपोर्ट कर रहे कर, तुम उसको सपोर्ट मत करो, तुम पीछे हट जाओ, हम उसको लड़की को जैसे हैंडल करना है वैसे हैंडल करके बोल रहे पीछे हट जाओ, तो मैं कब तक अकेली भागू, और कोई मुझे सपोर्ट के लिए आ रहा है तो वो लोग उनको भी पीछे खींच रहे। जाओ भी मी याच्या सोबत पोलीस स्टेशनला गेलो त्यांचे एनसी दाखल करण्यासाठी, तेव्हा तेव्हा ते लोक तिथे आल्यात, म्हणजे एक चार पाच सहा जणांचा ग्रुप असतो, त्याच्यामध्ये एक परशुराम कुंभार नावाचा मुलगा आहे, त्यांनी तिथे धमकी दिली मला बाहेर पोलीस स्टेशनच्या बाहेर, आणि हा प्रकार जर आम्ही ह्यांना सांगितला सिनियर पी यांना, तर ते म्हणले ठीक आहे आम्ही पाहून घेतो कोण आहे काय, आणि तसं बोलून आम्ही तिथून निघून गेलो। दुसऱ्या दिवशी परत पोलीस स्टेशनमध्ये बोलवलं येतं आम्हाला 8 तारखेला, तर 8 तारखेला पोलीस स्टेशनच्या कॅबिनमध्ये मला धमकी दिली जाते जीव मारण्याची, तर जर पत्रकाराला जर धमकी देत असेल तर मग सामान्य माणसाचं कसं होणार। पोलीस स्टेशनमध्ये घडली ते क्या सीसीटीव्ही कॅमेरामध्ये, जाधव मॅडम होते त्यावेळेस समोर आणि कॉन्स्टेबल शिंदे, काही ॲक्शन घेतली नाही।